नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 जुलाई से पहले अपनी दुकान और फैक्ट्री से हटा ले ये सभी चीजें। बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द। बिहार के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर बी भट्टाचार्य के निधन पर सीएम नीतीश और राज्यपाल ने जताया शोक। बिहार म्यूजियम से कर सकते हैं 2 सर्टिफिकेट कोर्स। बिहार में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 50 के पार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 1 जुलाई से पहले अपनी दुकान और फैक्ट्री से हटा ले ये सभी चीजें। बिहार सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर बिहार में प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने कहा है कि इसके पहले व्यापारी अपने पास मौजूद इस श्रेणी के उत्पाद को हर हाल में खत्म कर ले। इसी को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई से इस मामले में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की माने तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि तय अवधि के बाद अगर कहीं ऐसी सामग्री बेची, खरीदी या भंडारण की जाती है तो सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा के रहने वाले हैं। मनोज बाजपेयी आज काफी सक्सेसफुल एक्टर है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मनोज बाजपेयी को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। मनोज बाजपेयी ने साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म द्रोहकाल से एक छोटे से किरदार से बॉलीवुड डेब्यू किया था। मनोज बाजपेयी अपने अब तक के करियर में कई टीवी सीरीज और फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें हिंदी ही नहीं कई तमिल, तेलुगु और भोजपुरी फिल्म भी शामिल है। हाल ही में आई उनकी फैमिली मैन सीरीज भी काफी सुर्खियों में रही थी। इसका दूसरा पार्ट भी आया और अब तीसरे पार्ट का लोगों को इंतजार है। इसमें मनोज बाजपेयी को काफी ज्यादा सराहना मिली है और साथ ही लोग उनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर बी भट्टाचार्य के निधन पर सीएम नीतीश और राज्यपाल ने जताया शोक। बिहार के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर बी भट्टाचार्य का बीती सुबह निधन हो गया। पटेल नगर के भट्टाचार्य रोड स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 98 वर्ष के थे और पिछले कई महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद ही उनके गुजर जाने पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और राज्यपाल ने शोक संवेदना व्यक्त की है। जिसके बाद सीएम नीतीश ने कहा कि डॉक्टर बी भट्टाचार्य होम्योपैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वो सरल स्वभाव के थे, मरीजों के साथ उनका आत्मीय संबंध रहता था। उन्हें होम्योपैथी चिकित्सा का चरक भी माना जाता था। उनके निधन से चिकित्सा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। वहीं राज्यपाल फागू चौहान ने होम्योपैथी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बी भट्टाचार्य के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने अपने शोकोद्गार में कहा है कि डॉक्टर भट्टाचार्य होम्योपैथी के विख्यात चिकित्सक थे। बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द। पेपर लीक को होने के बाद ही बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन हुई पीटी परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा थी। इसका पेपर परीक्षा से पहले ही आउट हो गया और क्वेश्चन पेपर वायरल होने के बाद जमकर बवाल हुआ था। इसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। पेपर लीक मामले की जाँच के लिए 3 सदस्य कमेटी के गठन की घोषणा की गई थी। इस कमेटी को आज रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, लेकिन महज चंद घंटों के अंदर ही पीटी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये परीक्षा अब दोबारा कब ली जाएगी। DNS बैंक महाराष्ट्र ने निकाली रिक्तियां। DNS बैंक महाराष्ट्र ने सहायक प्रबंधक के कुल मिलाकर 31 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि या प्रबंधन में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 23 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.dnsbank.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार म्यूजियम से कर सकते हैं 2 सर्टिफिकेट कोर्स। अगर आप भी इतिहास में रुचि रखते हैं तो बिहार म्यूजियम आपको 2 सर्टिफिकेट कोर्स करने का मौका दे रहा है। बिहार संग्रहालय द्वारा 2 सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पहला कोर्स इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी और दूसरा कोर्स आर्ट एप्रिसिएशन से संबंधित है। ये कोर्स 3 महीने का होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से चलाया जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी का ऑनलाइन उद्घाटन कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने किया। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ एप्रिसिएशन का ऑनलाइन उद्घाटन बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता प्रसिद्ध पुराविद और डेक्कन कॉलेज पुणे के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत सिंह भी थे। बिहार में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 50 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 58 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा में 1, पटना में 8, पूर्णिया में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी अन्य जिले में 1 भी मामले की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 98,777 सैंपल की जाँच हुई। वहीं इस दौरान 3 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का आज होगा समापन। बिहार बोर्ड की मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2022 आज संपन्न हो जाएगी। तय स्केड्यूल के अनुसार आज प्रथम पाली में ऐच्छिक विषय की परीक्षा ली जाएगी। ये परीक्षा सुबह 9:30 से 12:45 तक होगी। ऐच्छिक विषयों के अंतर्गत उच्च गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पर्सियन, संस्कृत, अरबी और मैथिली विषय की परीक्षा होगी। एक ही पाली में परीक्षा होगी। वहीं इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का मूल्यांकन भी 10 मई से शुरू होगा। बिहार बोर्ड की माने तो मई के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चक्रवाती तूफान आसानी के जद में आया बिहार झारखंड भी। बढ़ती गर्मी के बीच चक्रवाती तूफान आसानी का असर बीते दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने लगा। दोनों राज्य के कई जिलों में चक्रवाती तूफान के अनुरूप मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अभी तो जो हवा का प्रवाह है उसके अनुसार 10 मई को ओडिशा के पुरी गंजाम के समुद्री तटों से तूफान के टकराने की संभावना है। इस वजह से न सिर्फ ओडिशा और पश्चिम बंगाल बल्कि बिहार झारखंड के कुछ जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बंगाल में आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं मौसम केंद्र कोलकाता के निदेशक जीके दास के अनुसार तूफान अभी बंगाल की खाड़ी से उच्च दबाव में है। आने वाले कुछ घंटों में तूफान की दिशा बदल भी सकती है। बिहार में भी असर देखने के संकेत है। 11-12 मई को यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग के तहत दूसरे दिन भी जारी रहा धरना। बिहार भर में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के बाद अब सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है कि जल्द ही सातवें चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन लगता है अभ्यर्थी आश्वासन से मानने वाले नहीं है। यही कारण भी है कि सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर शुरू हुआ धरना बीते दिन भी जारी रहा, जिसके तहत ही राजधानी पटना के गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए रहे। शिक्षक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से शिक्षक नियोजन को जानबूझकर टालमटोल किया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। धार्मिक स्थानों में गड़बड़ी रोकने के लिए बिहार सरकार ने उठाए कदम। धार्मिक स्थानों पर अनियमितताओं की शिकायत के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में सर्किल अधिकारियों से उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले पंजीकृत और गैर पंजीकृत मंदिरों और मठों की पहचान कर उन्हें चिन्हित कर साथ ही इसकी सूचना जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा है। बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट काउंसिल के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो सीओ को मंदिर और मठों पर जानकारी एकत्रित करने के लिए एक सप्ताह में कम से कम दो बार बाहर निकलना होगा और जिलाधीश कब आए थे इस पर नजर रखनी होगी। जिलाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि मंदिर मठों पर न्यास के बारे में सभी आवश्यक सूचना नियमित रूप से अपलोड कर दी जाए। इसके अलावा जानकारी BSRTC को भेजी जाएगी। पटना के महावीर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की तरफ स्थित है ये मंदिर। रेलवे परिसर से सटा हुआ है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में इसका विशिष्ट स्थान है। 1730 ईसा में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं और यहां राम सेतु का पत्थर जिसका वजन 15 किलो है कांच के बर्तन में रखा होता है। ये पत्थर पानी में तैरता रहता है। अगर आप चाहें तो मंदिर में पहले से बुकिंग कर किसी भी भगवान का कथा पूजा पाठ करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको बुकिंग के वक्त निर्धारित छोटी सी रकम अदा करनी होगी। आपको बता दें कि महावीर मंदिर का प्रसाद नवेद्यम का लड्डू पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। केंद्रीय विद्यालय में आज से गर्मी छुट्टी शुरू। बढ़ती गर्मी के बीच केंद्रीय विद्यालय में सोमवार से गर्मी छुट्टी शुरू हो जाएगी, यानी कि स्कूल शनिवार होकर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ही अब गर्मी छुट्टी के बाद 18 जून को स्कूल खुलेंगे। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के प्राचार्य पीके सिंह ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही बताया कि गर्मी छुट्टी में ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क और होमवर्क दिया गया है। 18 जून से स्कूल नियमित खुल जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट टर्म की परीक्षा ली जाएगी। वहीं राजधानी के CBSE और ICSE के स्कूल अभी एक सप्ताह तक और चलेंगे और सभी स्कूलों में गर्मी छुट्टी 15 से 20 मई के बीच होने की उम्मीद है। बिहार के सरकारी हेल्थ सिस्टम पर इतने प्रतिशत लोगों को भरोसा नहीं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने का दावा बिहार की नीतीश सरकार करती आई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आपको बिहार के लोगों का पक्ष सुनकर समझ आ जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 80% लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी हेल्थ सिस्टम पर भरोसा नहीं है। सर्वे बताता है कि राज्य में बीमार पड़ने के बाद 80% लोग सरकारी अस्पताल की तरफ नहीं जाते। इसकी वजह बिहार में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर नहीं होना है। लोगों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में सही तरीके से देखभाल नहीं होती और इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, यानी कि सरकारी हेल्थ सिस्टम को लेकर उदासीनता के पैमाने पर बिहार सबसे ऊपर है। एक ही जगह पर जमे 26,856 शिक्षा सेवकों का होगा तबादला। बिहार में जल्द ही शिक्षकों का बड़ा तबादला देखने को मिलने वाला है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 9 सालों से एक ही
टोले में तैनात 26,856 शिक्षक सेवकों के स्थानांतरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो शिक्षा विभाग द्वारा जरूरत के आधार पर टोले में इनके पदस्थापन किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह भर में 2,000 से ज्यादा शिक्षा सेवकों के टोले बदले जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा सेवक के 30,000 पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 26,856 ही कार्यरत है। उनका काम बच्चों को विद्यालयों से जोड़ना और महिला साक्षरता से जुड़ा है, जिन्हें राज्य सरकार प्रतिमाह 11,000 रुपए का मानदेय देती है। बिहार के सभी सहकारी बैंकों के बोर्ड किए गए भंग। बिहार के सभी सरकारी बैंकों के नए बोर्ड का गठन नए नियमों से कराने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके तहत ही सभी सहकारी बैंकों के बोर्ड को भंग कर दिया गया है। नाबार्ड ने संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। पुनर्गठन के बाद राज्य में सहकारी बैंक में काम में तेजी आने की उम्मीद है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पैक्स अध्यक्ष जिला सहकारिता बैंक के डायरेक्टर का चुनाव करते हैं। जिला बैंक के अध्यक्ष राज्य सहकारिता बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते हैं। अधिकतर प्रारंभिक सहकारी संस्थाओं के चुने गए व्यक्ति ही चुनाव लड़ते हैं। सीएम नीतीश ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बीते दिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके तहत ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे अंतराल के बाद जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे। उमेश कुशवाहा भी पार्टी कार्यालय में रहे। मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और अब हर 15 दिन में मुख्यमंत्री का मिलने जुलने का ये सिलसिला चलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री 100 में से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री के आने के कारण हलचल। लालू यादव के मौत की फैली अफवाह, राजद ने दी सफाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, वहीं उनकी तबीयत भी नासाज बनी रहती है, लेकिन बीते दिन सोशल मीडिया में उनकी जान जाने की खबर सामने आई। एक मिनट के लिए तो राजद समर्थकों के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई, लेकिन फिर जैसे ही खबर राजद खेमे तक पहुंची, तुरंत ही राजद ने इस मामले में सफाई पेश की। राजद ने अपने शीर्ष नेता के कुशल होने की पुष्टि के लिए सफाई जारी की। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सफाई देते हुए कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पूर्णतः स्वस्थ है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के संबंध में सोशल मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर गलत और भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। वो राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती के दिल्ली आवास पर सुरक्षित हैं। पेपर लीक मामले में तेजस्वी ने साधा निशाना। बीते दिन बिहार में आयोजित हुए बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब इस मामले को लेकर राजद ने निशाना साधा है, जिसके तहत ही नेता प्रतिपक्ष ने रविवार शाम को ट्वीट कर कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि रविवार 8 मई को बीपीएससी की तरफ से एग्जाम दिया गया था, जबकि पेपर 11 बजे के करीब ही लीक होने का मामला सामने आया, जबकि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच किया गया था। वहीं मुकेश सहनी ने भी इस मामले को लेकर सरकार का घेराव किया है। सीएए पर कांग्रेस ने नीतीश का किया घेराव। सीएए को लेकर एक बार फिर से देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। बिहार भी इसे अछूता नहीं है। बिहार में भी नेताओं की बयानबाजी इस मामले को लेकर तेज हो गई है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है और उनसे उनको स्पष्ट करने की मांग की है। मीडिया में खबरों के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने ट्विटर पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीएए एनआरसी पर सीएम नीतीश को जवाब देना चाहिए। चित भी मेरी और पट भी मेरी, हम विरोध भी कर रहे हैं और साथ में भी है, ये कौन सी राजनीति हो गई? आपको करना है या उनके साथ जाकर कीजिए, अगर नहीं करना है तो हटिए यहाँ से। लालू राबड़ी राज में भूमिहार और ब्राह्मण समाज का हुआ अपमान। बिहार में भूमिहार और ब्राह्मण समाज को लेकर बीते कई दिनों से राजनीति देखने को मिल रही है। इसी बीच अब इस मामले को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की तरफ से साझा की गई बयान को अगर हम देखें तो इसमें ब्राह्मण भूमिहार समाज को भाजपा ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 लोगों को पार्टी ने टिकट दिए, जबकि राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल एक टिकट दिया था, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने ही भूमिहार समाज को पहली बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 साल के निरंतर परिश्रम के बाद 1653 में हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन में खिलाफ 1946 में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। नासा ने 2009 में चांद पर पानी की खोज के टोही यान भेजा था। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निधन 1995 में हुआ।
आसानी से रिकॉर्ड करें व्हाट्सएप कॉल्स की बातें। व्हाट्सएप का इस्तेमाल अब मैसेजिंग के अलावा बाकी कामों के लिए भी काफी होने वाला है। इसके जरिए आप लाइव लोकेशन शेयर करने से लेकर के स्टेटस लगाने, तस्वीर और फाइल्स भेजने का काम भी करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल वॉइस कॉलिंग के लिए भी करने लगे हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप के जरिए वॉइस कॉलिंग करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि इसमें वॉइस कॉल को रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा स्मार्टफोन है तो आप इसके जरिए व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा तरीका थर्ड पार्टी ऐप का है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर बहुत सारे विकल्प है और आप आसानी से अपने पसंद का ऐप चुनकर इसे सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हार के बाद पायल रोहतगी ने मुन्नवर फारूकी पर निकाला भड़ास। लॉकअप सीजन 1 की ट्रॉफी स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी ने अपने नाम कर ली है। फिनाले में उन्होंने पायल रोहतगी को हराया। जीत के बाद सोशल मीडिया पर मुन्नवर फारूकी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं हार के बाद पायल रोहतगी थोड़ी देर बाद ही सेट से सीधे चली गई और उनका कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया, लेकिन सोशल मीडिया पर पायल ने अपनी भड़ास निकाली है। पायल ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, लॉकअप के विनर का वीडियो अपलोड किया। इस तरह वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है और रियलिटी शो में विक्टिम कार्ड खेलता है। सीएसके ने दिल्ली को दी 91 रनों से मात। आईपीएल के 55वें मैच में सीएसके ने डीसी को 91 रनों से हरा दिया। दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन मिशेल मार्श ने बनाए। उनके बल्ले से 20 गेंद में 25 रन निकले। दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। 209 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 17.4 ओवर में 117 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। सीएसके के लिए मोइन अली ने कमाल गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर मोइन ने डीसी के मध्यक्रम की कमर तोड़कर रख दी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रजीत मिश्रा, चौहान सर, गौतम कुमार, देशु प्रियांशु कुमार, विकास बिहारी, अनवर करीम खान, विजय घायल, साक्षी कुमारी, श्वेता रॉय प्रदीप। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।